हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम फॉर्म सबमिशन को कैसे ट्रैक करते हैं। पिछली वीडियो भी मैंने फॉर्म सबमिशन के ऊपर ही बनाई थी, लेकिन उस वीडियो को हमने फॉर्म को ट्रैक किया था गूगल एनालिटिक्स के थ्रू। इस बार हम करेंगे GTM के थ्रू, ठीक है। तो दोनों में फ़र्क क्या है, देखिए। सबसे पहले एक तो वेबसाइट में, जैसे ये वाला फॉर्म है, ये कोई वेबसाइट है, इसमें एक फॉर्म लगा हुआ है, ठीक है। इसको रैंडमली मैं अभी आपको भर के बता देता हूँ कि क्या होता है। जैसे हम फॉर्म को भरते हैं, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि फॉर्म को किस किस लोगों ने भरा, ये हमें ट्रैक क्यों करना है। देखिए, SEO में जब भी प्रोजेक्ट हमारे पास आता है तो हमें क्लाइंट को टाइम टू टाइम वो उसकी रिपोर्ट्स वगैरह देनी होती है, प्रोग्रेस रिपोर्ट वगैरह। तो क्लाइंट को SEO करवाने के बाद कितनी कन्वर्जन हुई, कितने लोगों ने उससे उसके साथ कॉन्टैक्ट किया, तो वो हमें कैसे पता चलेगा, वो यहीं से पता चलता है। जो भी लोग फॉर्म को भरते हैं, तो जब भी फॉर्म भरते हैं तो क्लाइंट के पास एक मैसेज जाता है, तो फिर क्लाइंट उसके साथ कॉन्टैक्ट करके अपनी सर्विस के बारे में उसको बताता है। तो किन किन लोगों ने ये फॉर्म को भरा, कितने यूज़र ने भरा, वो हमें ट्रैक करना होता है, ठीक है। पिछली वीडियो में हमने यही देखा था। लेकिन जैसे फॉर्म को भरते हैं, देखिए, फॉर्म भरा, सबमिट पे किया मैंने, तो ये गया सीधा थैंक यू पेज पे। ये देखिए, थैंक यू पेज ओपन हो गया सीधा, मतलब इस पेज से किसी और पेज पे गया ये, और ये दे दीजिए थैंक यू फॉर योर इंक्वायरी। लेकिन कुछ वेबसाइट के ऊपर ये थैंक यू पेज पे नहीं जाता है, बहुत सी मैक्सिमम वेबसाइट में ऐसा ही होता है कि थैंक यू पेज पे नहीं जाता है, थैंक यू पेज अलग से बनाना पड़ता है आपको। देखिए, जैसे ये एक वेबसाइट है, इसका आपको एग्जाम्पल देता हूँ मैं। जैसे इनको फॉर्म पे गए हम, सैंपल के लिए आपके लिए मैं भर लेता हूँ अभी। ये देखिए, हमने ये भरा, और हमने किया सबमिट। सबमिट करने के बाद ये देखिए कॉन्टैक्ट अस, वही पेज है, ये कहीं नहीं गया, सिर्फ यहाँ पे एक मैसेज हो गया कि थैंक यू फॉर कॉन्टैक्टिंग अस, ठीक है। तो इस केस में हम इसको गूगल एनालिटिक्स के थ्रू इसको ट्रैक नहीं कर सकते, इसको हमें ट्रैक करना पड़ेगा GTM के थ्रू। तो GTM के थ्रू कैसे ट्रैक करना है वो अभी आपको बता देता हूँ मैं। पहले तो अगर आपके पास GTM नहीं है, या फिर GTM आपको लगाना नहीं आता है, तो उसके लिए भी वीडियो बनाई है मैंने, वो उसको आप देख सकते हो, ठीक है। सबसे पहले आप गए GTM के ऊपर, ऐसी ये डैशबोर्ड है, मैं पहले इस प्रोजेक्ट का खोल लेता हूँ। ये मैंने ओपन कर लिया इस वेबसाइट का GTM। GTM ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको बनाना है एक ट्रिगर, बनाना है आपको। ट्रिगर का मतलब है कि इसमें दो चीज़ें बनती है, एक टैग बनता है, एक ट्रिगर बनता है। टैग के अंदर ट्रिगर जो है वो उसको हम कनेक्ट करते हैं, ताकि जब भी वो फॉर्म सबमिट हो तो वो फायर हो जाए ट्रिगर, ठीक है। ट्रिगर पे आपको जाना है, ट्रिगर पे जाने के बाद आपको न्यू पे जाना है। ये मैंने पहले से बना के रखा है, आपको न्यू पे जाना है। न्यू पे आप गए, न्यू के अंदर इस तरह से आपको मिलेगा, एक ट्रिगर तैयार करेंगे। यहाँ पे फॉर्म सबमिशन नाम दे दीजिए, जो भी आपको देना है। ट्रिगर आप लोगे, ट्रिगर आपको लेना है इस बार एलिमेंट विजिबिलिटी। एलिमेंट मतलब जब भी ये वाला एलिमेंट शो होगा तो हमको ट्रैक हो जाए कि इस यूज़र ने ये फॉर्म को भरा, ठीक है। एलिमेंट विजिबिलिटी आप ले लोगे यहाँ पे फिर सिलेक्टिंग मेथड आता है, ID या CSS सिलेक्टर, ठीक है। इसका मैं अभी आपको बताता हूँ कि क्या करना है। देखिए, हम लेंगे CSS सिलेक्टर। अगर ID लेनी है तो ID भी ले सकते हैं आप, लेकिन हमने CSS सिलेक्टर लिया। तो CSS सिलेक्टर में आपको रखना क्या है, जैसे ये कॉन्टैक्ट अस, ये मैसेज शो हुआ जब भी फॉर्म भरा, इस मैसेज को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और इंस्पेक्ट कर दो। इंस्पेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए, सीधा आपको इसी पे हाईलाइट करेगा ये, इस मैसेज के ऊपर। ये देखिए, थैंक यू फॉर कॉन्टैक्टिंग अस, इसके ऊपर सीधा देखिए, इसके ऊपर एक लिखा हुआ है, क्लास लिखी हुई है, WP फॉर्म कन्फर्मेशन कंटेनर फुल, ठीक है। इस क्लास को आपको उठाना है, लेकिन इस क्लास को आपको, ये क्लास है जो भी CSS सिलेक्टर है, ये इसकी CSS है, ठीक है। और जो ID लिखी हुई थी ना वहाँ पे, वो ये है साथ में ID, या तो इसको उठा लो या इसको उठा लो। अभी हम CSS सिलेक्टर को उठा रहे हैं, लेकिन इसको उठाने पे ध्यान ये रखना कि ये देखिए, यहाँ से ये स्टार्ट हुई WP फॉर्म से कंफर्मेशन कंटेनर फुल, फुल के बाद ये डैश नहीं है बीच में, तो ये ब्रेक हो गई, मतलब ये अलग है और ये अलग है। या तो आप आगे वाली उठा लो या पीछे वाली उठा लो, ये इस हर फॉर्म में अलग अलग होती है। जरूरी नहीं है कि हर फॉर्म में ये WP फॉर्म कंफर्मेशन ऐसे ही लिखा होगा, कुछ भी लिखा हो सकता है, तो वो आपको उठाना है, ठीक है। क्लास को आपको उठाना है, इस पे गए, इसको किया आपने कॉपी, यहाँ से फॉर्म तक मैंने उठा लिया इसको, ये कॉपी किया और यहाँ पे कर दिया पेस्ट, ठीक है। पेस्ट करने के पहले स्टार्टिंग में डॉट आपको लगाना है, एक डॉट लगा लीजिए,
ठीक है, डॉट लगाना है, यहाँ से उठाओगे तो यहाँ पे डॉट नहीं है, लेकिन जब यहाँ पे पेस्ट करना है तो पहले डॉट लगा देना है, ठीक है। उसके बाद बंस पर पेज यहाँ पे टिक कर दीजिए, बंस पर पेज मतलब एक बार मैसेज शो हो तो ये ट्रैक कर ले। अगर इस मैसेज को कोई बार बार ऐसे ऊपर नीचे करके देखता रहे तो बार बार ट्रैक ना करे, एक बार शो हो गया मतलब एक यूजर ने भर दिया तो उसको ट्रैक करे, ठीक है। उसके बाद परसेंटेज यहाँ पे 100 रख लीजिए, ऑब्जर्व DOM चेंजेस इसको ऑन कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे नीचे है सम विजिबिलिटी एंड ऑल एलिमेंट विजिबिलिटी, ऑल पे क्लिक कर लीजिए आप और इसको कर दीजिए फिर सेव, ठीक है। ये ट्रिगर बन गया। अब हमको जाना है अपने, एक टैग बनेगा इसके लिए, टैग्स में जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे मैंने पहले से बना के रखा है, ये नीचे जो है GA4, ये गूगल एनालिटिक्स को इसके साथ अटैच किया है। अगर ये आपको करना है तो सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा आपको न्यू पे जाइए। न्यू पे जाने के बाद यहाँ पे लिख लीजिए GA4 और यहाँ पे सीधा अटैच कर दीजिए गूगल टैग को। ये देखिए गूगल टैग को अटैच किया, ID दे दी है आपकी, गूगल एनालिटिक्स की ID है। और नीचे ट्रिगर पे आप दे दोगे ऑल व्यूज, ठीक है। ये तो गूगल एनालिटिक्स को इसके साथ अटैच किया हुआ, लेकिन फॉर्म सबमिशन के लिए आपको अलग से बनाया, आपने न्यू पे क्लिक किया, ठीक है। नाम रख लीजिए फॉर्म सबमिशन, टैग कॉन्फ़िगरेशन में आप रखोगे गूगल एनालिटिक्स इवेंट GA4 इवेंट। फॉर्म ट्रैक करना है तो गूगल एनालिटिक्स GA4 इवेंट को आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। ये आपने सेलेक्ट कर लिया। मेजरमेंट ID, ये आपकी गूगल एनालिटिक्स की ID है, जो भी गूगल एनालिटिक्स का कोड होता है, ठीक है। इवेंट नेम आपको देना है फॉर्म सबमिटेड, मैंने यहाँ पे दिया हुआ है नाम, ठीक है। ये नीचे जो भी पॉइंट है इनको छोड़ दो आप। उसके बाद नीचे है ट्रिगरिंग, ट्रिगरिंग को कौन सा ट्रिगर आपको सेलेक्ट करना है, जो ट्रिगर हमने पहले बनाया था उस ट्रिगर को हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना है, ठीक है। ये वो ट्रिगर है जो हमने सेलेक्ट किया था, यहाँ पे जाइए, ये मैंने सेलेक्ट किया है पहले से, इस तरह आपको जाना है। ये देखिए ये वाला है हमने जो बनाया था, हमने फॉर्म सबमिशन नाम रखा था, इसको हमने सेलेक्ट करना है और फिर कर दो इसको सेव। अभी बन के तैयार हो गया है, अभी ये फॉर्म को ट्रैक करना स्टार्ट कर देगा, लेकिन अभी ये सही से बना या नहीं बना इसको पहले चेक करना पड़ता है। तो पहले सबमिट मत कीजिए, पहले जाइए प्रीव्यू पे। प्रीव्यू के अंदर जाने के बाद यहाँ पे आपसे मांगेगा आपकी वेबसाइट खोलिए, ताकि इसको वेबसाइट के साथ कनेक्ट करना, कनेक्ट कर दीजिए। अलग पेज पे लेके जाएगा आपको, ये देखिए अलग पेज पे लेके गया, वेबसाइट खोल दी इसने और इसी विंडो पे वापस आइए तो यहाँ भी लिखा आएगा कनेक्टेड, तो कंटिन्यू कर दीजिए। कंटिन्यू पे देखिए अब टैग फायर्ड, टैग फायर्ड का मतलब है ये जो GA4 दिखा रहा है ये मैंने गूगल एनालिटिक्स को इसके साथ कनेक्ट किया है, तो जब भी वेबसाइट खुली एक पेज व्यू हो गया तो ये गूगल एनालिटिक्स जो है वो फायर हो गया। इसको अभी छोड़िए, हम ट्रैक कर रहे हैं अपने फॉर्म को। टैग नॉट फायर्ड, देखिए जो हमने टैग बनाया था फॉर्म को ट्रैक करने के लिए वो नीचे है, ये बता रहा है कि अभी ये फायर नहीं हुआ है। फायर मतलब अभी जब फॉर्म ही नहीं भरा तो फायर कैसे होगा। अब जैसे हम फॉर्म भरेंगे तो ये देखना फायर हो जाएगा, यहाँ पे लिखा आएगा ऊपर, ठीक है। अब हम भर लेते हैं फॉर्म को, कुछ भी यहाँ पे नाम आपके सैंपल के लिए भर दूंगा अभी, और जैसे ही सबमिट करेंगे, सबमिट कर दिया, मैसेज शो हो गया, हो गया मैसेज शो। अब देखिए वापस इस विंडो पे जाइए, यहाँ पे देखिए टैग फायर्ड में फॉर्म सबमिशन भी फायर हो गया। फायर मतलब नीचे लिखा हुआ है, ये देखिए फायर्ड वन टाइम, वन टाइम मतलब एक बंदे ने ये भर दिया, ठीक है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया कि अब ये हमने जो भी टैग बनाया था वो सही से बन गया है, अब इसको सबमिट कर दो। सबमिट करने के बाद पब्लिश कर दो इसको, पब्लिश कर दिया। इस तरह की वीडियो आपने एनालिटिक्स के ऊपर कैसे ट्रैक करना है यूट्यूब पे काफ़ी देखी होगी, लेकिन अब आप जो भी ये फॉर्म भरेंगे, वो जो भी लोग फॉर्म भरेंगे तो इसको आपने देखना कहाँ पे है कि कितने लोगों ने भरा, वो भी तो आपको देखना है बार बार। आप यहाँ पे तो ऐसा कुछ है नहीं सिस्टम की वो आपको दिखाएगा, तो आपको कैसे उसको देखना है, तो उसको देखने के लिए आपको अभी मैं बताता हूँ कि क्या करना है। ये सारा जितना भी अब इसके बाद लोग फॉर्म भरेंगे वो कहाँ पर स्टोर होगा कि कितने लोगों ने भरा, उसके लिए आपको क्या करना है। जो हमने टैग्स के अंदर ये हमने टैग बनाया था, जो टैग्स के अंदर हमने इवेंट नेम दिया था ना, ये देखिए इवेंट नेम, इसी इवेंट नेम को आपको कॉपी करके
अपने गूगल एनालिटिक्स में जाना है। उसके बाद आप जाइए एडमिन में, सेटिंग में। सेटिंग में गए, सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे कन्वर्जन में जाना है आपको। कन्वर्जन में, कन्वर्जन मतलब कितने लोगों ने भरा। तो यहाँ पे ये देखिए फॉर्म सबमिटेड, ये मैंने खुद यहाँ पे ऐड किया है, इसको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा आपको। न्यू कन्वर्जन में जाना है, फॉर्म सबमिटेड जो आपने वहाँ पे इवेंट नेम दिया था वो यहाँ पे आपको भरना है, ठीक है। ये यहाँ पे आपने भरा और सेव कर देना है, ठीक है। मैंने पहले से सेव किया हुआ है और इसको ऑन कर देना है, फॉर्म सबमिटेड। उसके बाद अब देखिए, जैसे ही अब इसके बाद ये वहाँ पे फॉर्म तो सबमिट होंगे, लेकिन ये ट्रैक तब करेगा जब इस इवेंट नेम को आप गूगल एनालिटिक्स में डालोगे। अब इसके बाद आपको कहाँ पे वो ट्रैक होगा रियल टाइम में देख लीजिए। जाए रियल टाइम में मैं गया तो यहाँ पे नीचे देखिए जाके, ये देखिए जो हमने फॉर्म भरा था, फॉर्म सबमिटेड, एक बार एक कन्वर्जन आई है इसकी। अभी हमने भरा तो एक कन्वर्जन आई है, पांच लोग भरेंगे पांच आ जाएंगी, दस भरेंगे जितनी मर्जी भरेंगे, लेकिन ये तभी आएगा जब आप कन्वर्जन के अंदर ये फॉर्म सबमिटेड को ऐड करोगे, ठीक है। तो इसके बाद ये ट्रैक करेगा। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। इस वीडियो में थैंक यू पेज के बिना कैसे ट्रैक करना है वो हमने सीखा। एंड पिछली वीडियो पे अगर आपकी वेबसाइट पे थैंक यू पेज है तो थैंक यू पेज के थ्रू कैसे इसको सेट करना है वो काफ़ी इजी है, वो गूगल एनालिटिक्स के थ्रू आप ट्रैक कर सकते हो। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। ओके गाइस, थैंक यू।